नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूँ आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की हुई शुरुआत, मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन। सिपाही प्रशिक्षण केंद्र में भव्य पारण परेड का हुआ आयोजन, डीआईजी ने कहा जिम्मेदारी का ईमानदारी से करे निर्वहन। विश्व एड्स दिवस को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जाएगा जागरूकता अभियान, डॉक्टरों ने दी लक्षण और बचाव की जानकारी। और स्टेशन परिसर में चल रहे विकास कार्यों का डीआरएम ने किया निरीक्षण, कहा जल्द नए लुक में दिखेगा भागलपुर रेलवे स्टेशन। अब खबरें विस्तार से। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की कार्यवाही को देखा और इसका विधिवत रूप से उद्घाटन भी किया। वहीं इसके लिए भागलपुर के सबौर भिट्टी गाँव में कार्यक्रम आयोजित कर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत की गई, जिसमें डीएम सुब्रत कुमार सेन सहित जिले के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान डीएम ने कहा कि बिजली मीटरों में गड़बड़ी की बात लगातार सामने आती थी और गलत बिलिंग होने से उपभोक्ता भी काफी परेशान रहते थे, जबकि स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद बिजली मीटरों की गड़बड़ी से होने वाली समस्या बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी, जिसका लाभ विभाग के साथ साथ आम लोगों को भी मिल सकेगा। डीएम ने कहा कि सरकार और विद्युत विभाग के द्वारा चलाई जा रही प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की योजना के अंतर्गत पूरे जिले भर में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। विभाग से संबंधित कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और जो योजनाएं धरातल पर क्रियान्वित हो रही हैं उससे संबंधित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे। और ये भागलपुर जिले से जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना है स्मार्ट प्रीपेड मीटर की, उसकी शुरुआत हुई है। तो यहाँ घर हाउस में कनेक्शन भी हुआ है घर में, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी VC के माध्यम से पटना से उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में जो है वो कनेक्शन किया गया है और पूरे इस कार्यक्रम की भागलपुर ज़िले में और एक तरह से राज्य में शुरुआत हुई है। ऊर्जा विभाग की पूरी टीम जो है वो प्रयत्नशील है और इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लग जाने से काफ़ी बिजली की भी बचत होगी और लोगों को भी सुविधा होगा। लोगों को पता होगा जो बिल की समस्या वगैरह होती थी ये सब दूर हो जाएगी। जिस तरह से हम लोग मोबाइल अपना प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं तो हमको पता होता है कि मेरा कितना बैलेंस है, उसी हिसाब से हम लोग अपना फिर यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी शुरुआत इस गाँव से हुई है पूरे राज्य में। तो मैं ऊर्जा विभाग की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ और आगे आने वाले समय में पूरे जिले में इस योजना को कवर किया जाएगा। भागलपुर के नाथनगर स्थित सिपाही प्रशिक्षण केंद्र में बुधवार को पारण परेड का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सिपाही एवं ASI के द्वारा भव्य तरीके से पारण परेड की प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद DIG विवेकानंद ने 88 ASI रैंक के लिपिक को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने के बाद उन्हें सम्मानित भी किया। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सिपाहियों को संबोधित करते हुए DIG विवेकानंद ने कहा कि जिस भी कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाएगी वहां बेहतर सेवा प्रदान करना ही सभी पुलिस अधिकारी और कर्मियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। DIG ने कहा कि नाथनगर सिपाही प्रशिक्षण केंद्र बिहार का सबसे बेस्ट केंद्र है। इसके अलावा DIG विवेकानंद ने CTS प्राचार्य मिथिलेश कुमार से प्रशिक्षण के संबंध में कई जानकारी लेकर केंद्र और वहां कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मियों की जमकर सराहना की। पारण परेड कार्यक्रम में नवगछिया SP शांत कुमार सरोज, CTS प्राचार्य मिथिलेश कुमार समेत कई अतिथि और काफी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। आज 88 ट्रेनी ASI अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर आज बिहार पुलिस की सेवा में शामिल हुए हैं और इनकी हमें नितांत आवश्यकता भी थी, क्योंकि पिछले कई दशकों से ट्रेनी ASI की नियुक्ति नहीं हुई थी। यह बहुत अरसे के बाद हमें एक दक्ष ट्रेनी ASI प्राप्त हो रहे हैं और इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यंत ही बेहतरीन तरीके से पूरा कराया गया है। इनका परेड मैंने देखा, जो कमांड का स्तर था वह भी बहुत अच्छा था और मैं इसके लिए यहाँ के प्रिंसिपल प्रिंसिपल मिथिलेश कुमार को वाकई में बधाई देना चाहता हूँ। देश भर में HIV/AIDS उन्मूलन की दिशा में लगातार कई तरह का प्रयास जारी है और इस भयानक बीमारी ने देश की बड़ी आबादी को अपने प्रभाव में ले लिया है, जिसको लेकर प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस पर कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वह इसको लेकर बुधवार को भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल ARCC सेंटर के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रभाती केसरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
एड्स दिवस कार्यक्रम से संबंधित जानकारी दी। डॉक्टर प्रभाती केसरी ने कहा कि भागलपुर के आसपास के कई क्षेत्रों में एड्स जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को इसके लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि HIV एड्स एक वायरस है जो मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण मानव शरीर में कई तरह की बीमारियां भी हो जाती है। साथ ही डॉक्टर ने कहा कि यह रोग असुरक्षित यौन संबंध से या दूषित नीडल के उपयोग से फैलता है, जबकि मां को संक्रमित खून चढ़ाने से उसके शिशु को भी यह बीमारी फैल सकती है। साथ ही उन्होंने संक्रमण से बचाव को लेकर कई सलाह दी। नेशनल एड्स दिवस है, आप लोग को सबको मालूम होगा, और मैं यहाँ पे मायागंज हॉस्पिटल GMCH में मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर तैनात हूँ। यहाँ जो भी HIV पेशेंट बाहर के, या फिर यहाँ जो लेबर रूम है या गायनिक डिपार्टमेंट है या ब्लड बैंक है या फिर आपका TB डिपार्टमेंट है, उसमें जितने भी पेशेंट या अन्य डिपार्टमेंट में भी जितने भी HIV पॉजिटिव पेशेंट आते हैं, उन लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले तो उन पेशेंट का ICTC सेंटर में जांच किया जाता है, ट्रिपल टेस्ट किया जाता है, जिससे ये कंफर्मेशन किया जाता है कि वो पेशेंट सही में HIV ग्रसित है। इन पेशेंट का ARTI ग्रसित होने का रिपोर्ट आने के बाद वो पेशेंट को सीधे हमारे ARTI सेंटर काउंसलर दीदी के पास भेजा जाता है। काउंसलिंग उनका होने के बाद वो ARTI ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल ऑफिसर या सुपीरियर मेडिकल ऑफिसर, जो मेरे सीनियर हैं डॉक्टर विजय कृष्ण सिंह सर के पास भेजा जाता है। हम लोग पेशेंट को ये समझा के और कि दवाई आपका, ये दवाई आपका पूरा लाइफ लॉन्ग चलेगा और इसको आपको हमेशा ही लेते रहना है। मालदा रेल मंडल के DRM विकास चौफे ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान DRM ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन परिसर में कराए जा रहे कार्यों को बारीकी से देखा। इसके बाद DRM ने स्टेशन परिसर में बन रहे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का भी मुआयना किया और अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए विकास कार्यों को तेजी से करने की बात कही। DRM ने कहा कि मालदा रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले भागलपुर रेलवे स्टेशन पर सबसे ज्यादा यात्रियों की आवाजाही होती है और इसको देखते हुए ही स्टेशन परिसर में विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। साथ ही DRM ने कहा कि आने वाले दिनों में भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर का लुक काफी पतला हुआ और आकर्षक दिखेगा। मौके पर मालदा डिवीजन के कई अधिकारी के अलावा भागलपुर स्टेशन अधीक्षक और काफी संख्या में अधिकारी समेत रेल कर्मी मौजूद रहे। जो यहाँ पे बिल्डिंग बननी है उसकी योजना बन के तैयार है, अभी हम लोगों की क्लोज स्क्रूटनी में है। अभी इस समय जो काम होना था वो ये था कि हम लोगों को किस तरह से एडिशनल प्लेटफॉर्म लाइंस यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जिस लेवल पे हम लोग 2060 के लिए तैयारी कर रहे हैं उस लेवल के पैसेंजर्स को होल्ड करने के लिए उतनी गाड़ियाँ भी होनी चाहिए, केवल बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा। तो वो योजना भी हम लोगों ने पूरी तरह से बना ली है। बिहार सरकार कला संस्कृति एवं युवा विभाग के निर्देश पर भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से 2 एवं 3 दिसंबर को जिला स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन बरारी स्थित जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में किया जाएगा। उत्सव के दौरान समूह लोक नृत्य, समूह लोक गीत, एकांकी नाटक, कथक नृत्य, भरतनाट्यम, शास्त्रीय गायन, तबला वादन, गिटार वादन, बांसुरी वादन समेत 18 विधाओं में प्रतियोगिता होगी। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विद्यालयों एवं संस्थाओं के प्रतिभागी शामिल होंगे, जबकि सभी विद्या की प्रतियोगिता में 15 से 35 वर्ग आयु के युवा भाग ले सकते हैं। वहीं युवा उत्सव प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर चयनित प्रतिभागी को राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जबकि इसकी तैयारी के लिए जिला प्रशासन और कला विभाग कार्य में जुटा हुआ है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV।
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर में चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में ऋषिपुर थाना क्षेत्र के विशाल गांव के दो घरों में अज्ञात चोरों द्वारा घर घुसकर लाखों के जेवर सहित नकदी पर हाथ साफ कर लिया गया। बताया जाता है कि चोर मंगलवार की रात विशाल गांव निवासी चंद्रगुप्त मंडल और प्रेमचंद मंडल के घरों में घुसकर लाखों के जेवरात और कपड़ा समेत कई सामान चोरी कर फरार हो गए। वहीं इसको लेकर चंद्रगुप्त मंडल ने बताया कि वे और उसकी पत्नी दूसरे रूम में सोए हुए थे, तभी इस दौरान खिड़की का ग्रिल काट कर चोर घर में प्रवेश कर चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं इसकी सूचना ऋषिपुर थाने को दी गई, जिसके बाद पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। इधर लगातार हो रही चोरी की घटना से लोगों में काफी दहशत का माहौल है, जिससे चिंतित लोगों ने सरपंच के द्वारा रात्रि प्रहरी देने की मांग की है। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र स्थित मध्य विद्यालय नारायणपुर में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों ने स्कूल के प्रधानाचार्य चंद्र प्रकाश सिंह को अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मान पूर्वक विदाई दी। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने प्रधान अध्यापक चंद्र प्रकाश सिंह के कार्यों की भरपूर सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में शिक्षकों ने टीम वर्क करके वहां पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा दी है। विधायक ने विदाई समारोह में प्रधानाचार्य को शुभकामनाएं देते हुए अन्य शिक्षकों से कहा कि स्कूल के सभी बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कार्य करना बड़ी जिम्मेदारी है। मौके पर काफी संख्या में स्कूली छात्र छात्रा के अलावा शिक्षक और ग्रामीण मौजूद रहे। 4 वर्ष का सेवा दिए हैं, पूरा सेवा मेरा 28 वर्ष का है। 15 सितम्बर 1994 को हम BPSC के द्वारा कम्पीट कर शिक्षक पद पर आए थे, वहाँ से प्रोन्नति लेते हुए प्रधानाध्यापक के पद तक मैं आ गया हूं। इस विद्यालय में मैं प्रधानाध्यापक पद पर ही आया था और आने के बाद विद्यालय के लिए बहुत ही प्रगति का जो काम अधूरा था मैंने किया। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की हुई शुरुआत, मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन। सिपाही प्रशिक्षण केंद्र में भव्य पारण परेड का हुआ आयोजन, DIG ने कहा जिम्मेदारी का ईमानदारी से करें निर्वहन। विश्व एड्स दिवस को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जाएगा जागरूकता अभियान, डॉक्टरों ने दी लक्षण और बचाव की जानकारी। और स्टेशन परिसर में चल रहे विकास कार्यों का DRM ने किया निरीक्षण, कहा जल्द नए लुक में दिखेगा भागलपुर रेलवे स्टेशन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।